इस वीडियो को देखकर किसी को भी अपने घर में निकोला टेस्ला बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हेलो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा क्रेजी एक्स वाई जेड का चैनल पे अमित भाई ने एक्सपेरिमेंट किया था। खास में एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसमें 8 एक्सपेरिमेंट था उस वीडियो के अंदर। तो लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ऐसे उन्होंने एक वायर लेके दोनों एंड पे 2 पिन वाला प्लग लगा दिया था। ऐसे इन 2-3 पिन को एक तार से जोड़ करके दोनों को आपस में लगा दूं। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो 3 पिन लिया है और मैं तो 2 पिन ले रहा हूँ और 2 पिन बता रहा हूँ। तो आइए मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ, उन्होंने 3 पिन लिया है लेकिन उसमें 2 ही वायर यूज किया गया है, यानी कि अर्थिंग पिन जो है अभी के लिए यूजलेस है, इसलिए मैं 2 पिन का यूज कर रहा हूँ अभी। उसको ऐसे 2 अलग अलग बोर्ड में डाला था, तो क्या हुआ था कि उनका MCB ट्रिप हो गया था, इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो बता रहे थे। बंद कर दे। ओए ओए, देखो देखो, इधर आओ। ओहो, आवाज आ रही है गाइस। ओहो, ओवरलोड में दिखा रहे थे कि उनका घर का जो मेन MCB बोर्ड का बॉक्स था उसमें कुछ MCB ट्रिप हो गया था। इन्वर्टर के अलावा यहाँ पर हमारा जो MCB बॉक्स है उसके अंदर भी एक MCB डाउन हो गई है। लेकिन मैं आपको सेम वही एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ, वैसा ही करके दिखाने वाला हूँ, 2 अलग अलग बोर्ड में ऐसा पिन डाल के, तो कुछ भी नहीं होगा, वैसा कुछ भी ट्रिप नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे घर पे ट्राई कीजिए और कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है वो भी अपने जगह पे राइट थे, उनका ट्रिप हुआ, क्यों हुआ मैं वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए, मैं आपको ऐसे ही सेम टू सेम उसी टाइप से एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा कि वैसा MCB कुछ भी ट्रिप नहीं होगा। लेकिन लास्ट में उनको उनका MCB क्यों ट्रिप हुआ वो भी मैं बताने वाला हूँ, और इसका 3 पॉसिबल रीजन भी है, 3 पॉसिबल कंडीशंस भी हैं। फर्स्ट कंडीशन में ट्रिप नहीं होगा, सेकंड कंडीशन में ट्रिप होगा और थर्ड कंडीशन में भी ट्रिप होगा। लेकिन उसका क्यों होगा, क्यों नहीं होगा और उसका रीजन क्या है, वो सभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो वीडियो को देखते रहिए, चलिए आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास एक पूरा होम इलेक्ट्रिकल वायरिंग ट्रेनिंग सिस्टम का पूरा बड़ा सा किट है, इसमें पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और इसमें कितना वोल्टेज करंट रहेगा सब भी दिखाने वाला मीटर यहाँ पे लगा है। 253-254 वोल्टेज अभी है हमारे बोर्ड में। और उसके बाद मैंने ले लिया है 2 अलग अलग बोर्ड, एक बोर्ड यहाँ पे है, एक बोर्ड यहाँ पे है, और मैं आपको दिखाऊँगा जैसे कि अमित भाई ने अपना वीडियो में ऐसा वायर लेके और दोनों बोर्ड में डाला था और स्विच ऑन किया तो उनका MCB ट्रिप हो गया, इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम आ गया था, MCB बॉक्स में भी एक MCB ट्रिप हो गया था। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है हमारे एक्सपेरिमेंट में, और ऐसा क्यों उनके में ट्रिप हुआ हमारे में क्यों नहीं होगा उसका भी रीज़न बताऊँगा मैं। और उसके बाद जो उन्होंने क्या गलती किया था, उनका MCB क्यों ट्रिप हुआ, वो भी मैं इसके वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन जो पावर सप्लाई का सिस्टम है वहाँ से मैंने अपना MCB को जोड़ लिया है। अभी मैं बहुत छोटा कैपेसिटी का MCB लिया हूँ जो 1 एम्पियर का ही सिर्फ है, क्योंकि हमको क्यों ज़्यादा एम्पियर और ज़्यादा करंट वेस्ट करना, 1 एम्पियर का ही लिया है मैंने, और उसको सीरीज़ में यहाँ पे आउटपुट पिन पे दे दिया है, आउटपुट प्लग पिन पे। और वहाँ से जो अलग अलग बोर्ड है, बोर्ड नंबर 1 और बोर्ड नंबर 2, दोनों पे मैंने सप्लाई दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया है लाइन और न्यूट्रल, तो अभी यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हैं लाइन नहीं है, तो हम मैं ऑन करूँगा इसको तो यहाँ पे लाइन आएगा, हाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइन है। वैसे ही दूसरे बोर्ड में लाइन टू न्यूट्रल यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइन आ रहा है। तो अभी हम स्विच को ऑफ कर लेते हैं, दोनों स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ अपने केबल में भी मार्क कर लिया है लाइन और न्यूट्रल, तो लाइन को लाइन में दे दिया और न्यूट्रल को न्यूट्रल में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस साइड भी ब्लैक है, इसमें लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से मार्क कर लिया है यहाँ पे ब्लैक थोड़ा सा मार्कर लगा के, तो लाइन वाला है, तो लाइन को लाइन में दे दिया और न्यूट्रल को न्यूट्रल में। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही इसको मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद
उन्होंने क्या किया था, जब दूसरा जो लास्ट स्विच बचा था, एक स्विच ऑन करके दूसरा स्विच जो जब ऑन करने गए तो उनका एमसीबी ट्रिप हो गया और पूरा वायरिंग पे उनका प्रॉब्लम आ गया था, इन्वर्टर भी साउंड करने लगा था। लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, देखिए देखिए कुछ भी नहीं हुआ हमारा सिस्टम में, कुछ भी नहीं, क्योंकि देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लाइन आ रहा है और इधर भी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या गलती किया था कि उनका पूरा वायरिंग ही खराब हो गया था या एमसीबी ट्रिप कर गया था, इन्वर्टर भी आवाज़ करने लगा था, तो उन्होंने एक गलती किया था कि उन्होंने चेक नहीं किया कि कौन सा लाइन है कौन सा न्यूट्रल है, उन्होंने बिना चेक किए ही ऐसे ही डाल दिया। लेकिन हमने लाइन टू लाइन दिया और न्यूट्रल टू न्यूट्रल, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने अभी स्विच, एक स्विच को ऑफ करके हम इसको लाइन को न्यूट्रल में और न्यूट्रल को लाइन में दे देते हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, इस साइड लाइन है, इस साइड न्यूट्रल, इसमें इस साइड लाइन है, इस साइड न्यूट्रल है, लेकिन जो इसमें है वो लाइन इस साइड है, इस साइड न्यूट्रल, मतलब उधर का लाइन इधर का न्यूट्रल में आया है। तो अभी क्या होने वाला है, अभी जो उनका जो प्रॉब्लम आया था वो सेम टू सेम प्रॉब्लम आने वाला है हमारा भी। तो हम मैं आपको ऐसा एमसीबी को भी दिखा देता हूँ, हमारा एमसीबी ऊपर की ओर है तो ऑन है, फोकस करके दिखा देता हूँ, ऑन दिख रहा है ना अभी। इसके बाद जैसी एक भी स्विच, अगर इसको या उसको कोई भी स्विच को मैं ऑन करूँगा तो ट्रिप हो जाएगा। देखा आपने, देखा यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया, एमसीबी ट्रिप हो गया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं एकदम नज़दीक से, ऐसे करके दिखा देता हूँ। देख लीजिए अब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट लाइन टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू लाइन में जब जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। वैसा ही गलती उन्होंने किया था, तो उनका एमसीबी ट्रिप हो गया था, इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंटली दिखा दिया दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि लाइन टू लाइन और न्यूट्रल को न्यूट्रल में देख के ट्रिप नहीं हुआ, एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन क्या हुआ कि हमने अगर लाइन टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू लाइन देते हैं तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। और तीसरा कंडीशन जो मैंने बोला था वो क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर दो अलग अलग बोर्ड है लेकिन वो एक ही रूम पे नहीं है, अलग अलग रूम पे है, तो हो सकता है अगर एक इंडस्ट्रियल लैब है या कुछ भी है तो उसमें हो सकता है कि किसी में आर से फेज दिया गया होगा, लाइन आर फेज से लिया गया होगा, दूसरा बोर्ड में हो सकता है उसको बी फेज से लाइन लिया हुआ गया होगा, और न्यूट्रल तो कॉमन रहता है। तो उस कंडीशन में अगर हम ऐसे प्लग डालते हैं तो अभी क्या होगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस है आर वाई बी किसी भी एक दूसरे को मिलता है तो वहाँ पे करंट फ्लो होगा। अगर सेम टू सेम फेज है, क्योंकि यहाँ पे सेम सिंगल फेज था, उनके घर में भी सिंगल फेज ही होगा, तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा अगर हम सेफली वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो। और लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल लैब में हूँ तो यहाँ पे पूरा सेफ्टी है, आप घर पे ऐसा कुछ ट्राई करने का कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक झटका लगने का खतरा रहता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।